हे दोस्तों, जब भी किसी को जज के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद जज अपनी पेन की निब तोड़ देता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मौत की सजा सुनाने के बाद जज अपनी पेन की निब तोड़ देता है। दोस्तों, जिस तरह कलम से लिखी हुई बात कोई मिटा नहीं सकता, उसी तरह कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जिस कलम से आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसे जज के द्वारा इसलिए भी तोड़ दिया जाता है कि दोबारा इस कलम से फिर किसी को फांसी की सजा नहीं मिले और ना ही कोई इस तरह का अपराध करे। आपको बता दें कि फांसी की सजा दुनिया की सभी सजाओं में से सबसे बड़ी सजा होती है, जिसे किसी आम अपराधी को नहीं सुनाया जाता। यह सजा किसी जघन्य अपराध की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को सुनाई जाती है। फांसी की सजा के बाद पेन की निब तोड़ने का एक और कारण बताया जाता है, जिसके मुताबिक जब भी किसी जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। एक इंसान की जिंदगी को समाप्त होने के बाद जज के द्वारा पेन की निब तोड़ दी जाती है। फांसी की सजा सुनाने से पहले उस सजा पर जज के द्वारा जिस कलम से साइन किए जाते हैं, उसे तोड़ने का एक कारण यह भी माना जाता है कि यही वो कलम है जिसने उस शख्स की मौत लिखी है। वहीं किसी की जान लेने के कारण अपने आप को प्रायश्चित कराने के लिए जज के द्वारा उस कलम की निब तोड़ दी जाती है। दोस्तों, भारत में पेन की निब तोड़ने की प्रथा ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही चली आ रही है, जिसको आज भी फांसी की सजा सुनाने के बाद निभाया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान तो कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भी फांसी की सजा दी गई थी, मगर आजाद भारत में किसी जज के द्वारा पहली बार पेन की निब 1949 में तोड़ी गई थी। भारत में सन 1949 में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। गोडसे को पंजाब हाईकोर्ट द्वारा ये सजा सुनाई गई थी। इस सजा के अनुसार उनको 15 नवंबर 1949 में अम्बाला की जेल में फांसी दे दी गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।